हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज हम साइंस एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे, और वो भी एकदम आसान तरीके से जो बच्चों को बिल्कुल याद हो जाएगी। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना हासिल करने, खाने लेने के लिए जरूरत क्यों पड़ती है, वो खाना क्यों लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको फूड की जरूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, टू बिल्ड देयर बॉडीज और उनके बॉडी को बनाने के लिए, टू ग्रोथ और उनके शरीर को बड़ा करने के लिए भी, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी और जो बॉडी में कुछ डैमेज पार्ट हो जाते हैं तो उन सब डैमेज पार्ट को भी ठीक करने के लिए हम रिक्वायर फूड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। तो ये पैरासाइट क्या होता है, ये सेप्रोट्रॉफ क्या होता है, तो हमने आपको रीडिंग चैप्टर में बताया था। अगर आपने वो रीडिंग चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप पहले वो वीडियो देख लें तो एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमने इसके आंसर को दो भागों में बांटा है, दो भागों में। जैसे यहाँ पे पहले हेडिंग दिया पैरासाइट का और यहाँ पे हेडिंग दिया सेप्रोट्रॉफ का, और यहाँ पर पैरासाइट का तीन एग्जाम्पल्स, तीन मतलब इसके पॉइंट्स हैं, और सेप्रोट्रॉफ का 3 पॉइंट्स यहाँ पर है, क्योंकि एग्जाम में 3 पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला पॉइंट्स देखते हैं पैरासाइट का। तो पैरासाइट ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो ये पैरासाइट्स अपना खाना कहाँ से हासिल करते हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से। पैरासाइट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर चिपक कर अपना खाना हासिल करते हैं उनको मारे बिना। तो इसी का ओपोजिट सेप्रोट्रॉफ्स का देखते हैं। तो सेप्रोट्रॉफ्स आर डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेप्रोट्रॉफ अपना खाना कहाँ से हासिल करते हैं, डेड एंड डिकाइंग, सड़े गले मरे पदार्थों से। जो भी ऑर्गेनिज्म सड़ जाता है, गल जाता है, उस पर चिपक कर अपना खाना हासिल करते हैं उसको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ। सेकेंड पॉइंट देखते हैं दोनों का, पैरासाइट्स मोस्टली लिव ऑन और इन द होस्ट। तो पैरासाइट ज्यादातर कहाँ रहता है स्टूडेंट्स, तो मतलब जो होस्ट उसको कहते हैं स्टूडेंट्स, ये होस्ट आपको समझा दूं, होस्ट उसको कहते हैं जिस पर ये पैरासाइट चिपका हुआ होता है, और ये पैरासाइट कभी जिस चीज पर चिपका होता है उसके ऊपर भी चिपक जाता है और कभी कभी अंदर भी चिपक जाता है। इसका सेकंड पॉइंट सेप्रोट्रॉफ्स का देखते हैं, दे लिव ऑन डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिजम्स। और ये कहाँ पे रहता है, सड़े गले पदार्थों पर, ऑर्गेनिजम्स पर अपना निर्भर करता है। तो पैरासाइट का एग्जाम्पल होगा कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक प्लांट्स है जो दूसरे प्लांट्स पर चिपक जाता है, पीला कलर का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये दूसरे प्लांट्स पर चिपक कर उससे खाना हासिल करता है उसको मारे बिना। और सेप्रोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल देखते हैं तो मशरूम्स, मशरूम्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफ्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। आप लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है, इसको आप चेक कैसे कीजिएगा, इसको आप चेक कैसे कीजिएगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम, व्हेन आयोडीन कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ स्टार्च। जब हम दो पत्तियां लेते हैं और दोनों का मतलब आयोडीन सॉल्यूशन करते हैं, तो जब आप ये चैप्टर रीडिंग चैप्टर देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने रीडिंग चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने पूरे एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर को, लाइन वाइज लाइन आपको समझाया गया है। वो देखने के बाद इसका एक्सरसाइज आपको बहुत हल्की लगेगी। व्हेन आयोडीन कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ स्टार्च, जब आयोडीन सॉल्यूशन हम करते हैं स्टार्च पे, अ डार्क ब्लू ब्लैक कलर अपेयर्स। तो एक ब्लू ब्लैक कलर अपेयर होता है
नजर आता है हमें बाई ड्रॉपिंग आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन डालने के द्वारा ऑन द लीव्स वी कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जब भी हम आयोडीन दो पत्तियां लेते हैं और एक को डार्क में रखते हैं और एक को सनलाइट में रखते हैं, 3 से 4 दिन के बाद डार्क वाले पत्ती पे अगर हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो उसमें स्टार्च नहीं है तो उसका कलर ब्लू एंड ब्लैक नहीं होगा। और जो सनलाइट में जो हमारा प्लांट था अगर उसका हम आयोडीन सोल्यूशन करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू एंड ब्लैक में। तो इससे ये साबित हुआ कि स्टार्च प्रेजेंट होता है लीव्स में अगर उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। एक मतलब छोटे से अंदाज में आप बताइए कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ग्रीन प्लांट्स में कैसे किया जाता है। इसका आंसर देते हैं स्टूडेंट्स हम। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। देखिए इसका आंसर आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये ऐसे मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इतना आंसर लिखना ही पड़ेगा तभी आपका 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो आपको 3 मार्क्स फुल में फुल मिलेगा। आप अगर ये तीनों पैराग्राफ लिखते हैं, मैं आपको बताता हूं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। द सिंथेसाइज ऑफ फूड इन प्लांट्स ओकर इन लीव्स। और खाना जो बनता है, बनाने के तरीके हैं, वो कहाँ पे शुरू होता है, वो कहाँ पे होता है, तो वो प्लांट्स के लीव्स में होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स। इसी वजह से रॉ मटेरियल्स, स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल्स क्या क्या है हमने आपको रीडिंग चैप्टर में बताया था। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट इज द रॉ मटेरियल्स फॉर द प्लांट्स टू मेकिंग फूड देयर ऑन मस्ट टू रीच देयर। और जब वो खाना बनता है तो इन सब चीजों का वहां पे होना बहुत जरूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में अगर इनमें से कोई भी चीज एब्सेंट रहता है तो खाना नहीं बना पाएगा। तो इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट द स्टेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स। वाटर और मिनरल्स स्टूडेंट्स किसके थ्रू प्लांट्स के अंदर जाते हैं? तो वो रूट्स अब्सॉर्ब करता है और वो रूट्स, ब्रांचेस और स्टेम में क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं जो प्लांट्स में नसों का काम करते हैं और वो एक रास्ता बना देते हैं जिससे वाटर एंड मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो लीव्स के अंदर होता है स्टूडेंट्स तो क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो क्लोरोफिल हेल्प करता है प्लांट्स को सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस एनर्जी का यूज करके प्लांट्स अपना खाना वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अपना खाना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच डेट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जितना देखने में हल्का है ये उतना है नहीं, मैं आपको बता दूं उतना है नहीं। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे ये लिखा हूँ, फिर ये लिखा हूँ, फिर ये लिखा हूँ, फिर ये लिखा हूँ, मतलब समझाता हूँ इसका। शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच डेट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। हमें ये बताना है स्टूडेंट्स के प्लांट्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। वो कैसे? तो कुछ स्केच के मदद से आप हमें समझाइए। तो पहले हमने ये प्लांट्स को लिया है, प्लांट्स। अब ये प्लांट्स जो है ये प्लांट्स को ये टिड्डी खाता है, ये टिड्डी प्लांट्स को खाता है, ठीक है। और इस टिड्डी को ये मॉस खाता है, मॉस खाता है ना टिड्डी को, ठीक है। और इस मॉस को क्या खाता है? आउल खाता है। और आउल उसको इसी तरह जनरेटर चला जाता है कहां तक? ह्यूमंस तक। तो ये अल्टीमेट सोर्स हुआ ना। देखिए अगर इसको ये टिड्डी नहीं खाता तो ये टिड्डी मर जाता, अगर ये टिड्डी को ये मॉस नहीं खाता तो ये मॉस मर जाता, और अगर मॉस को उल्लू नहीं खाता तो उल्लू मर जाता। तो इस तरह ये लाइन चला जाता है, एक बहुत लंबा स्ट्रक्चर बन जाता है
जो सब किस पर निर्भर करते हैं, प्लांट्स ही पर आकर निर्भर करते हैं, इसी वजह से अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहां पर ये जो हरा कलर का है ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको इसको नोटबुक में भरना है। तो मैं आपको समझा के बताता हूं, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो ये रीडिंग पार्ट्स में तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, तो इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। बी देखते हैं स्टूडेंट्स, द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज ए स्टार्च। ये स्टार्च आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया गया है। द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा जो खाना बनाया जाता है वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है स्टूडेंट्स, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी से जो कैप्चर किया जाता है, सोलर सनलाइट से जो एनर्जी कैप्चर किया जाता है वो किसके थ्रू, तो ये क्लोरोफिल कैप्चर करता है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ये हमारा खाली ब्लैंक्स है, इसको हमको भरना है, ये भी खाली ब्लैंक्स है, इसको हमको भरना है। तो इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और फोटोसिंथेसिस होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स, नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांचेस एंड इन ब्रांचेस। ये एक पैरासिटिक प्लांट्स जो येलो कलर का होता है, तो वो येलो कलर का आपको रीडिंग पार्ट्स में बताया गया था कि जो होता है वो मतलब दूसरे चीजों पर अपने आप को ढक लेता है और उससे अपना खाना हासिल करता है, उससे छीन कर ये खुद नहीं बनाता, उसका एक एग्जांपल है। तो उसको क्या कहेंगे, कस्क्यूटा कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। एक ऐसा प्लांट्स बताइए जो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक हो, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, वो पीचर प्लांट है। पीचर प्लांट क्या है स्टूडेंट्स, तो ये पीचर प्लांट्स ये फोटोसिंथेसिस में होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, और ये इंसेक्ट्स को खाता है और इंसेक्टिवोरस भी कहलाता है, ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं पीचर प्लांट्स। नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। जो टीनी पोर्सेस होते हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं, उस पोर्स को पूरा नाम क्या दिया गया स्टूडेंट्स, तो आंसर है इसका एस्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स, टेक द करेक्ट आंसर, कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कस्क्यूटा किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, तो आपको रीडिंग पार्ट में ही पता चल गया होगा के कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज, जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, उनको ऑब्जॉर्व करके उन डाइजेस्ट कर जाते हैं, उस प्लांट्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, पीचर प्लांट ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ टाइपिंग करने में दिक्कत आ रही थी, तो मैच द फॉलोइंग को मैं इस प्रकार बनाया हूँ, जैसे ये लाल कलर का है तो ये मैच करेगा लाल कलर के साथ, ये पीला कलर का है तो ये मैच करेगा पीला कलर के साथ, ये आसमानी कलर का है तो ये इसके साथ मैच करेगा, ये इस कलर का है तो ये इसके साथ मैच करेगा, ये इस कलर का है तो ये इसके साथ मैच करेगा। तो स्टूडेंट्स कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम मिलाते हैं, तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स, तो वो लीफ के अंदर पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के सामने कौन होगा, लीव्स होगा। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कहाँ पे, मतलब राइजोबियम
किस चीज का मतलब वो बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब करता है नाइट्रोजन एटमोस्फेयर से, तो नाइट्रोजन राइजोबियम को होगा। कस्क्यूटा, तो कस्क्यूटा क्या है स्टूडेंट्स, तो कस्क्यूटा एक पैरासाइट है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो पैरासाइट कस्क्यूटा के सामने होगा। एनिमल्स क्या है स्टूडेंट्स, तो एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स पर रिक्वायर डिपेंड करते हैं। इंसेक्ट्स क्या है स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स पीचर प्लांट इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पे ये दिया हुआ है इक्वेशन। तो नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, ट्रू और फॉल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है? तो आप रीडिंग पार्ट अगर देखे होंगे तो आपको ये बात बिल्कुल तरीके से फंडा क्लियर हो चुका होगा, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड, तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स होगा फर्स्ट में फॉल्स, सेकेंड है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, जो भी प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं क्या उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है? तो ये फॉल्स है स्टूडेंट्स, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, जो भी मतलब खाना बना मेन सब चीजों से मिलकर जो खाना बनता है प्लांट्स में, तो क्या वो प्रोटीन नहीं है? तो ये सही है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बनता है न के प्रोटीन के रूप में, तो ये क्या हो गया, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खाना किस रूप में तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में तैयार होकर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग, सोलर एनर्जी जो कैप्चर किया जाता है वो किस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो क्या सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के दौरान कैप्चर किया जाता है? तो हाँ, सोलर एनर्जी कैप्चर किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो यहाँ पे ये ट्रू होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, देखिए प्लांट्स में कौन सा ऐसा पार्ट है जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचता है, उसके अंदर लेता है, यहाँ पे कुछ एडिटिंग में गलती हुई है, क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ, प्लांट्स के अंदर वो कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान अपने अंदर गैसों को खींचता है, तो वो स्टोमाटा है, स्टोमाटा ही अपने अंदर गैसों को रिलीज करता है या छोड़ता है या लेता है, स्टोमाटा के थ्रू ये प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट आंसर, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू द एयर, तो इसका आंसर होगा जब प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर से लिया जाता है तो वो किसके थ्रू, तो वो लीव्स के थ्रू लिया जाता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, Why do farmers grow many fruits and vegetables crops inside large greenhouses? What are the advantage to the farmer? ये क्वेश्चन सही से समझिएगा, ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स जो फार्मर्स बनाते हैं, तो ये ग्रीन हाउसेस एक शीशे का बना हुआ घर होता है जिसमें फार्मर्स खेती करते हैं, और उसमें उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये भी बताना है हमें, तो आपको ग्रीन हाउसेस समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउसेस जो फार्मर्स शीशे का घर बनाते हैं जिसमें वो खेती करते हैं, उसी शीशे के घर को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं तो हम आगे देखेंगे, तो आंसर में देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर दीज क्रॉप्स लाइक इट गिव्स फेवरेबल टेम्परेचर, ग्रीन हाउसेस जो हैं वो एक बहुत ही अच्छी कंडीशन देते हैं इनके क्रॉप्स को, और बहुत अच्छा उपजाव करते हैं, और ये टेम्परेचर को भी अच्छा रखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब सनलाइट उस पर पड़ेगी तो वो शीशे का बना हुआ होता है, और उसके अंदर जब सनलाइट जाती है अंदर तो सनलाइट तो चला जाता है लेकिन उसके अंदर से वो सनलाइट जल्दी बाहर नहीं आता, इसकी वजह से वहां पर हमेशा टेम्परेचर गर्म रहती है, और उस टेम्परेचर की वजह से वहाँ के क्रॉप्स को दिक्कत नहीं होती है और वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो आपको एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे, इसलिए ही फार्मर वो बनवाते हैं
क्योंकि उनको दिक्कत ना हो और इससे इनको ये भी तकलीफ से बच जाते हैं आंधी वगैरह में, क्योंकि ये सब जनरली फूल वगैरह के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किया जाता है। तो फार्मर्स को यह भी फायदा हो जाता है कि अगर आंधी आए तूफान आए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इस आंसर को क्लियरली देख लेते हैं। ग्रीन हाउसेस प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर दीज क्रॉप्स। ग्रीन हाउसेस जो हैं वो एक अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करते हैं इन क्रॉप्स के लिए। इट गिव्स फेवरेबल टेम्परेचर और वे एक मॉडरेट और एक अच्छा सा टेम्परेचर हमेशा देते हैं जिससे क्रॉप्स को ग्रो होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फार्मर्स गेट मेनी एडवांटेजेस। फार्मर्स को इसके बहुत सारे फायदे हैं, लाइक द क्रॉप्स ग्रो वेल, जैसे क्रॉप्स बहुत अच्छे होते हैं। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई ब्लोइंग विंड इन द रोडेंट्स। और ये फार्मर्स को ये भी बताता है, इससे भी बचाता है जिससे उनको मतलब तेज आंधी आए तो उनको तूफान उफान में कोई दिक्कत ना पड़े। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एक लाइक तो आप कर दीजिए क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।